To influence social change for themselves and others of India. According to the provisions of the Constitution of India, it is a legal. अगर आप में से भी कोई बच्ची वकील बनना चाहे तो अगर किसी ने ऐसे थ्रो किया, अगर अटेम्प्ट भी किया, इवन देन ये सब कानूनी तौर पे जुर्म है. अगर आपका कोई पीछा कर रहा है तो ये जुर्म है, इसको स्टॉकिंग. हमारी 93 ब्रिगेड की तरफ से हम यहाँ पे आए हैं. सद्भावना के तहत बच्चों बहुत सारी चीजें की गई. आप सब अपने अपने गांव में, अपने अपने इलाकों में जहां से आप ताल्लुक रखती हैं, आप वहां देखती होंगी कि इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत से ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम जिससे लोगों को कानूनी उनके राइट्स के बारे में, लीगल राइट्स, लेजिस्लेशन के बारे में पता चलता है. इंडियन आर्मी ने हर मौके पे, चाहे वो कभी अर्थक्वेक का टाइम था, चाहे कोई वो और इमरजेंसी, चाहे कहीं पे वॉर की वॉर लाइक सिचुएशन रही, कहीं पे भी कोई क्लाइमेट के कारण प्रॉब्लम रही, उसमें पेश पेश रहे कि इंडियन आर्मी ने हमारी लोगों की खिदमत ना केवल सिर्फ बॉर्डर्स पे की बल्कि मुल्क के अंदर भी की. आज मैं मेजर भानु रितेश और स्पेशली कमांडिंग ऑफिसर जो कुलकर्णी साहब, उनको मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ इस पुंछ की अवाम की तरफ से कि शुक्रिया जनाब, आपने हमारी इन बच्चियों की, इन औरतों के बारे में सोचा जो निहायत ही परेशान इस टाइम यहां पे हैं. इनके लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे कानून हैं. मेरी कोलीग एडवोकेट सोनल सासन जी ने बहुत ही खूबसूरती से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो भी प्रोविजंस वुमेन के रिलेटिंग है, चिल्ड्रन के रिलेटिंग है, उनके बारे में बात की. मैं आपके समक्ष अब बाकी चीजें, जैसे कि हमारी इस टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मैं बताएं, मेरी बहनें यहां बैठी हैं, उन्हें भी परेशानी होती होगी कि कहीं से गली से निकल रही हैं, किसी इलाके से निकल रही हैं तो कोई गलत कमेंट, कोई तंज कोई कर रहा है, कोई सीटी बजा रहा है, कोई पीछा कर रहा है, कभी आपका कोई मोबाइल है तो उसके ऊपर उस पर कोई गंदा मैसेज भेज रहा है, कोई गंदी तस्वीर भेज रहा है, या बहुत बहुत बारी क्या हो रहा है कि बहुत ही पिछले महीने की बात है, आपने अखबार में पढ़ा होगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर अटैक, एक एसिड अटैक हुआ एक लड़की के ऊपर, एक बच्ची के ऊपर एसिड फेंका गया, तेजाब, अपनी भाषा चा साखने तेजाब फेंका गया उस पे, उसका उस लड़की को, वो जो लड़का था वो तंग कर रहा था, उसके रास्ता रोक रहा था, बार बार उसे तंग करता था, लेकिन जब लड़की ने उसकी जो भी कोई डिमांड थी वो नहीं मानी तो उस दरिंदे ने क्या किया, वो एक तेजाब लिया और जा फेंका उसके मुंह पे. अब यहां पे प्रॉब्लम क्या आती है कि अमूमन इससे पहले खन्ना साहब ने बात की कि निर्भया गैंग रेप एंड मर्डर केस, जिसने इस मुल्क की, ना केवल मुल्क की, मैं कहूंगा पूरी दुनिया की आत्मा को झकझोड़ के रख दिया, दिल्ली रेप एंड मर्डर. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग यहाँ पे आए. जैसा कि आप सबको पता है कि भारतीय सेना सिर्फ और सिर्फ देश की रक्षा ही नहीं करती है, इसके अलावा हम यहाँ पे आप सद्भावना के तहत बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम करते हैं जिससे कि आम आवाम को और आम जनता को फायदा मिले. और वो और हमारे बीच में जो गैप है, जो कि सदियों से चले आ रही है ना जाने किन वजहों से, वो कम होती जाए. और आप हमें उतना ही अपना समझें जितना कि आप यहाँ के लोगों को समझते हैं. भारतीय सेना हमेशा और हमेशा आपके हेल्प के लिए यहाँ पे तत्पर रहती है. कभी भी आप किसी भी चीज़ के लिए हमें याद करेंगे या हमें ढूंढेंगे या हमें कॉन्टैक्ट करेंगे तो भारतीय सेना यकीन दिलाती है. मैं भारतीय सेना की तरफ से आपको यकीन दिलाता हूँ कि हम आपके अगले चंद मिनटों में आपके हेल्प के लिए जरूर मिलेंगे. आज का जो प्रोग्राम है लीगल अवेयरनेस और वुमेन एम्पावरमेंट, इसके तहत हमने भरपूर कोशिश की कि आपको आपके कानूनी हकूकों को के बारे में पता चले और उसके बाद आप इसके ऊपर अमल करके अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको, यहाँ पे दो एडवोकेट आए हैं, इनके माध्यम से अपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अभी हम इसके बाद एक लीगल काउंसलिंग का प्रोग्राम करेंगे, मतलब इसी प्रोग्राम के तहत, जिसमें आप अपने प्रॉब्लम्स बता के और उसका सलूशन ले सकते हैं. इसी के साथ मैं बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कहूंगा कि आप लोग यहाँ पे आए, अपना कीमती समय दिया और प्रोग्राम है इसका
इसको सक्सेसफुल बनाया। थैंक यू सो मच। स्वागत कीजिए एडवोकेट सोनम शासन साहिबा। आप भी कंप्लेंट कर सकते हैं हमारे पास। एज अ एडवोकेट मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि मैं इस टाइम स्टेज पे आई एम नॉट ओनली टॉकिंग टू अबाउट वुमन एम्पावरमेंट पॉलिसीज, बट मैं आपसे ये सब ये भी कहना चाहूंगी कि आप बिना किसी हेजिटेशन के अगर आपको यहाँ पे कुछ लगता है कि यू आर फीलिंग अनसेफ, तो आप लोग बजट एडवोकेट्स भी हैं, आपको जहाँ पे लगता है आपको हमारी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो आप बिना झिझक आ सकती हैं। अगर आपके साथ यहाँ पे आपको लगता है कि आप कुछ भी आपको अनसेफ महसूस होता है तो आप लोग बिना झिझक के आ सकते हो। उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगी आज आपकी बड़ी बहन कि आप अपना ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेट करें अपने स्टडीज के ऊपर, आप लोग पढ़े। गवर्नमेंट ने आपके लिए इतनी पॉलिसीज रखी है, नारी निकेतन के अंदर आपको फ्री ऑफ एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, आपको खाने पीने की जो है हर फैसिलिटी जो यहाँ पे आपको हर बेसिक रिक्वायरमेंट दी जाती है। तो आप उसके बाद जो मेरे सीनियर यहाँ पे फीमेल्स बैठी हैं, मैं उनसे भी ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों को भी अगर अपने घर के अंदर भी आपको किसी तरीके की कोई डोमेस्टिक वायलेंस का कुछ आपको लगता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आज भी बहुत सी फीमेल्स ऐसी हैं जो अवेयर नहीं है, जिनको लॉज के बारे में पता नहीं है, या कुछ लोग हमारे पास भी ऐसी कई लेडीज आती हैं केसेस में आज की डेट में भी आती हैं कि जिन लोगों को लॉज के बारे में नहीं पता, जिनको ससुराल की तरफ से टॉर्चर किया जाता है, जिनको प्रॉपर्टी की। इंडियन आर्मी की तरफ से था और ये कुछ 15 दिन पहले हमारे पास आए थे, इन्हें हमारी रिक्वायरमेंट लिखी थी हमें क्या क्या नीड है तो हमने बताई थी और आज उनने ये सारी नीड्स हमारी पूरी की हैं, हमें सामान दिया है और हम इनका बहुत थैंकफुल हैं। हमारे जो टाइमली आके हमें जो चीज़ चाहिए होती है हमें प्रोवाइड कर देते हैं, हम बहुत ज़्यादा इनके शुक्रगुजार हैं। बहुत फ़ायदा मिलेगा, अभी हमने इन्हें बहुत सामान दिया जो हमें मतलब बहुत नीड थी, जिस चीज़ की मतलब आगे हमें बहुत ज़्यादा नीड थी वो सामान हमें मिला है और ये हमेशा हमें मतलब वही चीज़ें देते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होती हैं, जो हम मतलब नीड होती हैं हम मांगते ही वही हैं और देते हैं हमें वही, हमेशा टाइमली हमारे पास आते हैं और हमें वो चीज़ प्रोवाइड करके जाते हैं, हम इनके बहुत थैंकफुल हैं।